बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिराज, आप सब जानते हैं मोस्टली। और यह है मेरा भाई शेजान, और यह है मेरा छोटा भाई शयान। दिख ही ना रहा है शयान। मैंने इस शयान को सेकेंड व्लॉग में डाला था। मैंने दो व्लॉग बना वीडियोस बनाए आपसे। मैं व्लॉगिंग वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ गेमिंग वीडियोस डालूंगा, क्योंकि मुझे व्लॉग्स वीडियोस बनाना नहीं आता है। इसलिए मैं गेमिंग वीडियो आराम से बना लूँगा। और मैंने जो फर्स्ट व्लॉग में वादा किया था कि हॉरर चैलेंज करूँगा, लेकिन मेरा से वो नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने घर शिफ्ट कर दिया था। मैंने तो सेकेंड व्लॉग में दिखाया था, होम टूर कराया था शिराज न्यू हाउस नाम टाइटल वीडियो में। उसी वीडियो में मैंने मेरे इस शयान को दिखाया था। दो अभी है यम्मू को, क्या है यम्मू को, क्या है कुछ नहीं। जो मैंने दिखाया था उसको सेकेंड व्लॉग में। अब मैं व्लॉग, जैसे मैं कहा था कि व्लॉगिंग वीडियोस नहीं डालूंगा, सिर्फ और सिर्फ गेमिंग वीडियोस आज ये। लेकिन मैं गेमिंग वीडियोस मोबाइल में नहीं बनाने जा रहा। मैं अपने मम्मी के मोबाइल का जीमेल मेरे टैब में डाल लिया हूँ। मेरे टैब मुझे पापा बड़े गिफ्ट किया था ऑनलाइन क्लास के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं इस टैब में गेमिंग वीडियो करूँ। अगर उनको पता चला ना, मेरे बैन बज जाएगी वो। हाँ करेक्ट बोल रहा है। ये दो गाइस, लाइट इन स्क्रैच पड़ गया, देख रहे हो ना, स्क्रैच पड़ गया। आप देख सकते हो ना स्क्रैच। हाँ कहाँ है बे स्क्रैच, देख सकते हो। हम चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर टू। मुझे नहीं आता है ये सीधे खेलने के लिए, मैं अपने दोस्त से सिखाऊं खेलने के लिए। और ग्रैनी ग्रैंडपा को रख के मैं एक बार भी नहीं खेला हूँ। खेल रहा हूँ मैं, करो तो गाइस, जैसे मैंने कहा कि मैं आज तक एक बार भी ग्रैनी नहीं खेला हूँ, वो भी ग्रैनी चैप्टर टू। मैं ग्रैनी वन तो खेला हूँ शायद प्रैक्टिस मोड में, और इसके अभी क्या हूँ, लेकिन इस बार मैं ग्रैनी ग्रैंडपा को रख के नहीं, सिर्फ ग्रैंडपा को रख के खेल रहा हूँ। अगर ग्रैनी ग्रैंडपा को दोनों को साथ रख के खेला ना बैन बन के। तो गाइस, जैसे मैंने कहा था कि मेरी बैंड बच जाएगी और मेरा वीडियो बार बार स्टक हो जा रहा है, इसीलिए मैं बार बार पॉज करके खेल रहा हूँ। तो हम मैं ग्रैनी चैप्टर टू की बात कर रहा था, और मेरा दोस्त मुझे डरा रहा था कि मैं डर के खेल रहा हूँ ग्रैनी चैप्टर टू। मैं कहा कि मेरी बैंड बच जाएगी अगर मैंने ग्रैनी ग्रैंडपा को लेके खेलूँगा। अब चलो हम गेम शुरू करते हैं, और कुछ बोलने का बाकी है नहीं। चलो गेम शुरू करते हैं। गेम तो शुरू हो गया। ओ ये क्या, मेरा भाई खेल रहा था कंटिन्यू गेम। चलो हम उसको फटाफट से रिफ्रेश कर देते हैं। ये हो गया रिफ्रेश, हम न्यू स्टार्ट करते हैं। चलो हम शुरू करते हैं वीडियो खेल। मैं कंफर्टेबल प्लेस में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रैंड पास से और ग्रैंड से फुल डर लगता है। ग्रैंड पास से थोड़ा कम लगता है, फिर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कमरे में अकेला, मैंने तो कहा था मैं, सारे भाई लोग चले गए, मैं अकेला। वो यार मुझे पता नहीं चला गेम शुरू हो गया। तो हम खेल रहे हैं इजी मोड और ग्रैंडपा को लेके ही। मैं ना नाइटमेयर में खेलूँगा ना डार्क मोड में, एक्स्ट्रा अलग तो नहीं। ठीक है डिफिकल्टी इजी, ग्रैनी एंड ग्रैंडपा मूव्स अ बिट स्लोअर, नो क्रिएटिंग फ्लोर्स। If your game does not run smoothly, then try low quality settings. क्या है? चलो कुछ भी होगा, हम गेम को स्टार्ट करते हैं। Be quiet, Granny hears everything. ये कैसे? इसमें तो ग्रैनी ही नहीं है। तो क्या जो होता है देखते हैं। Grandpa does not hear very well, but he hits hard. Press and hold the remove button to free yourself from bear traps. मैंने सुना है कि सिर्फ ग्रैनी ही ट्रैप डालती है, ग्रैंडपा नहीं डालता है, लेकिन इसमें तो ग्रैनी ही नहीं है ना, फिर ये सब टिप्स क्यों दे रहे हैं।
हाइड अंडर बेड्स और इन वार्डरोब्स, ये मुझे पता है। यू हैव 5 days। यार ग्रैडी तो बहुत कंफ्यूज है, 5 days दे रही है हमको एस्केप करने के लिए, 10 दिन दे दी तो। यूज़ हेडफोन्स फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस। अब फिलहाल मेरे पास हेडफोन्स नहीं है, नीचे जाना पड़ेगा लेने के लिए। चलो हम गेम को स्टार्ट करते हैं। मैंने मेरे फ्रेंड के पास देखा तो कैसे ये करते हैं मुझे सारा पता है, लेकिन मैंने एक बार भी खेला नहीं है। खेला हूँ ग्रैनी वन, मैंने तो कहा था। डे वन शुरू हो गया। और डर लग रहा हूँ, नर्वस हूँ मैं, क्योंकि मेरा फर्स्ट गेमिंग वीडियो के मैं वीडियो के साथ बात भी कर रहा हूँ। चलो हम सबसे पहले आवाज़ कर देते हैं। आवाज़ हो गया, ग्रैंड पा इधर आएगा ताकि हम चुपके से निकल लें। तो गाइस हम ऊपर जाके सबसे पहले हमको स्टंगन ढूंढी है, ढूंढनी है, क्या ढूंढनी है, स्टंगन। अगर वो नहीं ना तो गेम ही नहीं है। वही इस ग्रैनी की जान है। अगर वेपन भी होगी ना, वेपन से भी एस्केप नहीं कर सकते, क्योंकि हमको स्टनगन ही इम्पोर्टेंट है, किस लिए मुझे पता नहीं। सो गाइस मैंने सुना था कि अगर हमने स्पाइडर बेबी को मारा ग्रैंडपा जिंदा होते हुए, लो ग्रैंडपा ग्रैनी नहीं को भी बुला रहा है, ग्रैनी को लगता है यादों में खोआ हुआ है ग्रैनी के। ग्रैनी 3 भी लॉन्च हो गया है, मैंने तो देखा है, वो लगता है ग्रैनी उसमें चले गई ग्रैंडपा को अकेला छोड़ के इधर। ओ ग्रैनी तो इधर नहीं है लेकिन ग्रैंडपा ज़रूर है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आई यार, अगर इसमें ग्रैनी नहीं है तो टिप्स क्यों दे रहा था वो? सिर्फ ग्रैंडपा के टिप्स दे देता ना तो ही बेहतर होता। इस गेम को ज़्यादा खर्चा किया है गेम वाले ने फालतू में। दो रेंज पड़ा है इधर, मुझे स्टन गन चाहिए। स्टन गन कहाँ पर है? स्टन गन मिल जा, स्टन गन मिल जा। इस फ्रिज में क्या मीट पड़ा हुआ है? स्पाइडर बेबी को खाना, लेकिन हम स्पाइडर बेबी को खाना नहीं डालेंगे, सीधा गोली खिलाएंगे मीट के बगैर। वाह यार हमको पैडलॉक ही मिल गया, लेकिन बाद में, फिलहाल हमको ग्रैंडपा को टपकाना है। लेकिन स्टन गन नहीं मिल रही, कहाँ पर है? इसमें भी पुश ग्लास यूज है। डोर लॉक। वाओ यार स्टनगन मिल गई। हाँ यार मैं इसको लेने के लिए कितना तड़प रहा था। हाँ यार मेरी तो एकदम हार्ट बीट बढ़ गई थी। अचानक उसको देख लिया ना, इसलिए बहुत भयानक लगता है, मुझे डर लग रहा है। चलो इसका फेवरेट लैम गिरा देते हैं, दौड़ा दौड़ा जलाएगा। और हम इसको यहाँ पर सीधा ऊपर पहुँचा देते हैं। ग्रैंड पर सिर्फ 2 मिनट के लिए मरता है। ग्रैनी गेम में बहुत कंजूस भी और फालतू का खर्चा भी बहुत किया है, क्योंकि 5 days only 2 minutes and 30 seconds की डाई आ गया। इसकी आंखें लाल है। मैंने सुना है कि ग्रैंड पा ना स्पाइडर बेबी को मारे तो ग्रैंड और ग्रैंड पा के आंखें लाल हो जाते हैं गुस्से में, वो क्यों मुझे पता नहीं, क्योंकि स्लेंडर ना उनकी कोई लगता है मुझे रिलेटिव है, इसलिए। सबसे पहले हम सिक्योरिटी रूम को खोलते हैं, देन पैडलॉक की उठाते हैं। डोर हैंडल बहुत आड़ पैडलॉक की उठाते हैं, खोल देते हैं पैडलॉक को, देन हम डोर हैंडल को लगा के और चीज़ें ढूंढते हैं। अपना आवाज़ सुना शायद, मेरे दोस्तों का आवाज़ नीचे वो खेल रहे हैं। मुझे भी खेलने जाना था लेकिन मैंने वीडियो बनाने का था ना, इसलिए मैंने नहीं गया। मेरे फ्रेंड मैंने बहुत पसंद है, इसलिए उनके लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। इतना बड़ा रिस्क, वो आपके लिए रिस्क नहीं होगा लेकिन मेरे लिए रिस्क है, क्योंकि मैं बहुत कोवर्ड हूँ।
तो हम दो डंडा उठा लेते हैं, लास्ट में लगाए अभी अभी लगा लेते हैं, लास्ट में भूल जाएंगे वो कहाँ पर रखा था, और ग्रैंडपा हमारी बैंड बजा देगा। शुक्र है कि ग्रैनी नहीं है, मैं तो डर गया था उस वो टिप देख के। वो टिप तो वो दिखा ना, वो गेम की स्टार्टिंग में ही बहुत डरावना है, टिप भी बहुत डरावनी थी ना, वाइट ब्लैक ब्लैक ये बैकग्राउंड वाइट वाइट लेटर्स में लिखा हुआ था बड़ा बड़ा। हमने स्टंगन में कहाँ था, हाँ सिक्योरिटी रूम में। हम फिर से ग्रैंड पा को टपकाते हैं, हमने ग्रैंड पा को एक भी एक ही बार टपका है ना, तो दूसरी बार टपकाते हैं। लगता है अब तक ग्रैंड पा जिंदा हो गया होगा, सिर्फ 20 बोल रहा हूँ, 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स मरा हुआ है, कंजूर बढ़ाओ कहीं का। अपने भोग ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है क्या, बहुत उसका ग्रैनी का ही बनाता है वो, बहुत फनी है और बहुत अच्छा वीडियो बनाता है। रुको मैं वीडियो का लास्ट में उसका चैनल दिखा देता हूँ आप सबको स्क्रीन शेयर में ही। आप सब बहुत लव करेंगे उस मॉक मिथ चैनल को, सारे ग्रैनी के वीडियो बनाता है, मैं भी उसको सब्सक्राइब करता हूँ, मैं भी उसका फ़ैन हूँ, मैं हर रोज़ उसका वीडियो देखता हूँ। वो सिर्फ सैटरडे वीडियोज डालता है, मैं उसका फ़ैन हूँ, एक वीडियो नहीं करता उसका मैं। आई लव मॉक मिथ। यार मेरे सब्सक्राइबर्स 1 मिलियन के ऊपर पहुंचा दो ना, वो पेट शॉट मार दिया इस बुढ़ाओ को, चल टपक जा बुढ़ाओ। कबर में जाने की उम्र में घर की रखवाली कर रहा है, बुलाना उस ग्रैनी को, करती है ग्रैनी ट्री में जाके बैठी हुई है। रेंच मिल गया, चलो स्पाइडर बेबी को मार देते हैं। ग्रैंडपा तो मरा हुआ है, अगर वो जिंदा होता तो उसके लालंक हम देख सकते थे, लेकिन हम नहीं देख सकते क्योंकि चांस नहीं है। अगर मैं उस लालंक को देखता हूँ ना, बहुत डर जाता हूँ, मेरे फ्रेंड के फोन में बहुत डरता था मैं। मेरा उस फ्रेंड का नाम है अरमान, वो मेरे घर के नीचे ही रहता है, मैं समर हॉलीडेज में उसके घर जाता था। मैं हमारे यहाँ टीवी ख़राब हो गया था इसलिए मैं उनके टीवी देखने जाता था, लेकिन वो टीवी नहीं ऑन करता था, फ़ोन देख लेके बैठता था, फ्री फायर खेलता था, BGMI खेलता था और बहुत कुछ खेलता था, और ग्रैनी भी खेलता था। ग्रैनी खेलना मैं तो उससे ही सीखा हूँ, वही मुझे हिम्मत देता है। खेलने के लिए उसके हिम्मत से ही मैं आज ये खेल रहा हूँ, वरना मैं सारे सब्सक्राइबर्स और लाइक्स और कमेंट्स खो बैठता और व्यूज खो बैठता, और मेरे साथ साथ चैनल भी खो बैठता। स्पाइडर बेबी आ जा, स्पाइडर बेबी किधर, मीट के लिए मर रहा है, सीधा गोली खा लेना। स्पाइडर बेबी जल्दी आ, स्पाइडर बेबी अब तो हमें सबसे पहले ग्रैंडपा को टपकाना चाहिए। चलो छप कर उसकी धड़कन देखते हैं, धड़कन नहीं मिल पैर के आवाज़ नहीं, आवाज़ तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी रीस के यार डर लग रहा है। चलो पहले ग्रैंडपा को ढूंढ निकालते हैं, टपका देते हैं क्योंकि बहुत सारा टीम हो गया। ग्रैंडपा को टपके हुए ग्रैंडपा को तो मुझे आवाज़ आया, वो कुछ गा रहा था। चलो हम हमारा गाना बजा के उसको बुलाते हैं, कहाँ से कहाँ से आ जाता है, चल छाते शॉट वाले। चलो हमने ओ मैंने स्टंगन क्यों फेंका बे, वहीं पर ग्रैंडपा मरा हुआ है, हम आराम आसानी से उसको मार सकते हैं। भाई स्पाइडर बेबी इधर आ जा, तुझे मैं आज मर्डर करके रखूँगा। मर गया, थैंक गॉड यहीं से मार दिया उसको, वरना वो बहुत टाइम लगा था इधर आने के लिए। सेफ, वाओ बहुत मस्त है ये गेम, बहुत मस्त जा रहा है,
मेरा दोस्त खेलता था ना, वो बहुत आग रहता था, उसको स्टंगन ही नहीं मिलती थी, कहीं कहीं छुपी रहती थी, वो वेपन की सही चलाता था, कम से कम 1 आवर में वो एस्केप करता था वेपन को लेके। चलो मैं आधे घंटे से भी कम में एस्केप कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अब खाना खाने जाना है, बहुत भूख लगी, मेरी मम्मी वेट कर रही है मुझे बुलाने के लिए। वेस्ट यार, ये वेस्ट है, मैं इसमें तो चेक ही नहीं किया। वेस्ट वेस्ट वेस्ट। अब हम अभी कहाँ कहाँ देख सकते हैं। ओ यार, हमको क्रोबर ही नहीं मिला, ओ सॉरी क्रोबार, क्रोबार कहते हैं या क्रोबर पता नहीं। चलो पहले क्रोबार ढूंढ लेते हैं। बहुत गर्मी भी हो रही है, हमको अभी तक नहीं मिला, हम मेन जगह नहीं देखे। इधर क्रोबार इधर पड़ा है, कहाँ छुप गया था साले क्रोबार। थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइस, मुझे डर लग रहा है, लगता है ग्रैंडपा उड़ गया है, उड़ ग्रैंडपा को फिर से टपकाने की कोशिश कर। 1 मिनट आई थिंक हो गया, ग्रैंडपा मरे हुए। चंदन उठा लेते हैं, ग्रैंडपा को ढूंढ निकालते हैं। एम्बुलेंस का आवाज़ आ रहा है मेरे घर के 2-3 किलोमीटर दूर भी पर, निमांस हॉस्पिटल, आप तो जाना ही होगा निमांस हॉस्पिटल, वहाँ के एम्बुलेंस का आवाज़ इधर तक आता है। हम किधर आ गए, बातों बातों में मैं इधर तक आ गया चलते हुए। चलो फिर से गाना बजाते हैं, ग्रेनीज हाउस, ये गाने का नाम ग्रेनीज हाउस है, अजीब गाना है। पैर में ज़्यादा धुंध लगा है, ट्यूशन में ज़्यादा मेहनत पड़ ली आज इसलिए। थैंक गॉड मुझे हाइब्रिड क्लासेस है, मैंने तो ऑफलाइन ही ऑनलाइन ही चुना है, थोड़े सारे मेरे क्लास के लोग ऑनलाइन ही चुना है, ऑफलाइन नहीं चुना है। मेरी स्कूल है बॉलविन बॉयज़ हाई स्कूल, मैं हूँ 5th स्टैंडर्ड, मेरा मैं 12 ईयर्स का हूँ। ग्रैंडपा उड़ गया सोता सोता, आपने वो नोटिस नहीं किया ग्रैंडपा सोता है, आपने ग्रैंडी नहीं खेला है। हाँ ग्रैंडपा, देरी ग्रैंडपा, तेरी ग्रैनी देरी बिटवा कहती है, लेकिन मैं तुझे देसी ग्रैंडपा बोलूँगा। देख कैसी लटक रही है तेरी लाश दर पर। चलो हम अब क्रोबर उठा लेते हैं, सॉरी क्रोबार या क्रोबर कुछ भी है, पक्का यार बता गाइस, मैं बता रहा हूँ कि वो बोले इसमें ना बॉक्स में कटिंग प्लेयर ही होगा, या नीचे वाले बॉक्स में तो आई थिंक स्पार्क प्लग होगा। यार ये खुलता ही नहीं है, ये का जिज आवाज़ लगता है वो करंट का आवाज़ है, हम लोग को पहले करंट निकालना होगा। अगर हम थोड़ा पास गया ना डोर के, हमारा डे 2 डे 3 कितना डे है यार, आई थिंक डे 3। हाँ उधर कटिंग प्लेयर, चलो हम सबसे पहले इसको कट कर देते हैं। कट कर दिया और ऊपर लेके चलते हैं इसको। तो यहाँ हैंड व्हील होगी, कैसा बताया हैंड व्हील वेपन की, इसको डाल देते हैं स्लेंडर मैन के पास, कुछ तो अच्छा होगा, अगर बुरा हुआ तो नहीं, अच्छी फीलिंग्स सोचनी चाहिए। यार हमारा तो काम हो गया यार। अब हम कटिंग प्लेस से करंट काट दिया, हमको डोर हैंडल में मिल गया, हैंडविल मिल गई, और हमको
क्या चाहिए बे? हैंडविल होगी, क्रोबर और हैंडविल ही चाहिए ना। कटिंग प्लेयर का कुछ भी काम नहीं है। पहले जाके इसको खोल के आते हैं। कहीं ग्राउंड पर उठ गया, छप छप के जाएंगे। अब टपका तो नहीं सकते, मैं अर्जेंट में हूँ एस्केप करने के लिए। उड़ गया है ग्राउंड पर। स्टंगन कहाँ है? स्टंगन कहाँ पर है? स्टंगन कहाँ पर है भाई? ऐसा आवाज करता है, ग्रैंडपा सुन नहीं सकता, सिर्फ एक गाने की आवाज सुनता है। क्या हाथ शॉट मारा, मरते बचते बचा यार। बैर बचती बचती बच गई। क्रोबार कहाँ पे रे? तो गाइस जस्ट समझ लो हमने एस्केप कर लिया, अब स्टंगन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जल्दी फटाफट करना पड़ेगा कोई भी काम, क्योंकि ग्रैंडपा एक ही मिनट में उठने वाला है। हाँ ऊपर है, बिल तो ऊपर है। चलो इसको लगा देते हैं। ग्रैंडपा को ये भी गुस्सा आता है, हमने हैंडविल यूज़ किया वो भी आवाज़ आ जाता है, अगर हमने हैंडविल भी यूज़ की वो आता है। अब मैंने इस चीज़ों को यूट्यूब में देखा था, ग्रैंडपा सिर्फ कुछ ही आवाज़ों को सुनता है। चालू हो जा, चालू हो। लगता है ग्रैंडपा उड़ गया उससे में। चलो चलो चलो, भाग गए भाग गए। ये अब दो ग्रैंडपा कैसे ऐसे खड़े हुआ कि उसका खजाना ही हो गया है। वो लफ्ज़ मुंह में नहीं आ रहा है, कौन सा है? बोरान बोरान खड़ा है, घबरा घबरा खड़ा है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अब ग्रैनी आएगी तो उसका सिर फोड़ देगी। द एंड गाइस, अब मुझे अब याद आया, मैं आपको मॉक विद वाली वीडियो बताने वाला था। चलो टाइप कर देते हैं मॉक कनेक्शन। ना नेट हो गया क्या? यार मैं वाईफाई ले रहा था, अभी ख़त्म हुआ। चलो नेक्स्ट कोई वीडियो मैं दिखा देता हूँ, तब के लिए तब तक के लिए